बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इथेन को कैसे मीथेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे वो डिफरेंट और टफ वो मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बच्चों बहुत आसान सिर्फ टू स्टेप ये आपको रिएक्शन करवाऊंगा, जिसमें आप क्या करेंगे इथेन से मीथेन को ईज़िली प्रिपेयर कर लेंगे। बच्चों सिंपली आपने क्या करना है, इथेन को लेना है। यू हैव टू नीड टू टेक जस्ट इथेन, ये मेरे पास इथेन है। बच्चों हम क्या करेंगे, इथेन में हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन। और याद रखना, जब ऑक्सीडेशन होती है अल्केन की तो अल्कोहल तैयार होता है, लेकिन आपने इधर टर्म एंड कंडीशन देखनी है। कॉपर आपके पास कैटलिस्ट है, 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, 200 एटीएम आपने प्रेशर मेंटेन करना है। जब ये करेंगे तो आपके पास इथेन है, तो इथेन से इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि आपके हाइड्रोजन भी उतने ही रहेंगे। और एक ऑक्सीजन ऐड किया तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, देखें 3, 2, 5 और 1, 6। अब आपने इसी अल्कोहल को लेना है जो कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, और इसमें जो आपने चीज़ ऐड करनी है, अब आपने ग्रिगन रिएजेंट का यूज़ करना है जो कि हमारे पास लैब्स के अंदर होता है, ठीक है। वो ग्रिगन रिएजेंट क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, CH3 मैग्नीशियम और Br, ये आपने याद रखना, क्योंकि आगे वाला जो चैप्टर हमारे पास अल्काइल हैलाइड वाला, उधर का जो लास्ट जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये वाला था, मतलब हमारे पास ग्रिगन रिएजेंट वाला, ठीक। इसके अंदर बच्चों आपने जो यूज़ करना है वो ईथर आपने यूज़ करना है, ठीक है, ड्राई ईथर का यूज़ करना है। अब बच्चों याद रखना, ये जो हाइड्रोजन है ये तो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन जो कि नेगेटिव है, मेटल है तो ये पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, क्या करेगा, CH3 से CH बच्चों क्या हो गया, CH4 हो गया, जो कि मीथेन हो गया। अब ध्यान से देखिए, जो नेगेटिव पार्ट है ये इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम के साथ एक तो Br लगा हुआ ये वाला, और एक इसके साथ ये सारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो अटैच हो जाएगा CH2 और CH3। हमारा मकसद था जस्ट मीथेन को तैयार करना। आई होप सो कि बच्चों आपने ये कन्वर्जन समझ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।